गुड मॉर्निंग क्लास, होप यू आर फाइन। चैप्टर नंबर 2 एचसीएफ एंड एसीएम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिमेनिंग डेफिनेशंस ऑफ चैप्टर नंबर 2। डेफिनेशन इज डिविजिबल बाय 8। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्मड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज द मल्टीपल ऑफ 8 और थ्री डिजिट जीरोस एट इट्स 100, 10 एंड 100। अब वो डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं कि आपका ये नंबर तब डिविजिबल बाय 8 होगा अगर आपके पास, अब डिविजिबल 8 कब होगा कि अगर आपके पास जो नंबर है उसके जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं, लास्ट 3 डिजिट 8 के मल्टीपल हो, या फिर लास्ट 3 डिजिट बिटवीन जिसमें जीरोस हो, जिसमें 100, 10 यूनिट, यानी कि 100, 10 यूनिट्स आपके जीरोस होने चाहिए। इसमें भी बेटा दो कंडीशन बताई गई है आपके पास। एक तो ये कि लास्ट 3 डिजिट्स आपके पास क्या हो, मल्टीपल हो 8 का। इसकी एग्जांपल देख लो, पहले इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, देन आपको ये क्लियर समझ आएगी। आपके पास ये नंबर है, उन्होंने कहा लास्ट 3 डिजिट्स, आपने लास्ट 3 डिजिट्स ले लिए 128। अब 128 आपके पास 8 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। आप इसे 8 से डिवाइड करें, क्या ये 8 का मल्टीपल है? 128 को जब मैंने 8 से डिवाइड किया, 8 ones are 8, 12 में से माइनस किया 4, 8 आपके पास नीचे आ गया, क्या बन गया 48, 8 6 are 48, आपके पास आंसर आ गया 16। अगर आपके पास लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 का मल्टीपल है, यानी 8 पर डिवाइड हो रहे हैं, देन आपके पास ये पूरे नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 8। ये आपके पास थी फर्स्ट कंडीशन। अब आपके पास वो सेकंड कंडीशन, देखो बेटा यहाँ पे और की बात हो रही है, इसका मतलब होता है या तो ये नंबर्स आ जाए या आपके पास 3 जीरोस आ जाए जिसमें 100, 10 और यानी कि यूनिट प्लेस में भी जीरो हो, 10 प्लेस में भी जीरो हो और 100 प्लेस में जीरो। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि आपके पास एग्जाम्पल में आपके पास 1000 देखे, यूनिट में भी जीरो, 10 में भी जीरो और 100 में भी जीरो है, और या 2000 देखे, यूनिट में भी जीरो, 10 में और 100 में भी। सिमिलरली ये आपके पास क्या होंगे, 8 के मल्टीपल। सो दैट दीज नंबर आर आल्सो डिविजिबल बाय 8। ये आपके पास सेकंड कंडीशन होगी कि आपके पास लास्ट डिजिट या तो जीरो हो या फिर लास्ट 3 डिजिट 8 के मल्टीपल हो, देन आपके पास जो नंबर है वो 8 का डिविजिबल होगा। डिविजिबल बाय 9। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9। अब आपको डेफिनेशन देख के याद आया होगा कि हमने जब डिविजिबल बाय 3 की डेफिनेशन पढ़ी थी तब भी हमने सेम यही डेफिनेशन पढ़ी थी, व्हिच मींस दैट कि डिविजिबल बाय 3 एंड डिविजिबल बाय 9 की सेम डेफिनेशन और सेम मेथड है। आप देख सकते हैं द सम ऑफ 3, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। आपके पास लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर है 18, आपने 18 को सम करना है, आपने क्या किया 1 + 8 = 9। अब आपने देखना है कि जो आपका आंसर आया वो क्या वो 9 का मल्टीपल है, क्या 9 के टेबल में 9 आता है, ठीक है। आप देख सकते हैं 9 जो है 9 ones are 9, इसका मतलब 9 जो है वो 9 का मल्टीपल है। सेम इसी तरह आप एक और एग्जांपल देख लें, 63। आप देख सकते हैं दोनों डिजिट्स को आप प्लस करें, 6 + 3 क्या आ गया आपके पास 9। 9 से आपको पता चला ये भी आपके पास क्या है, 9 का मल्टीपल है, ठीक है। ठीक है, जब भी आपने 9 के आप डिविजिबिलिटी देखनी हो तो आपने क्या करना है, जितने भी आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी डिजिट है, आपने उन्हें आपस में ऐड करना है, फिर आपने देखना है क्या वो 9 का मल्टीपल है। अगर वो 9 का मल्टीपल है देन आपके जो नंबर है वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 9। डेफिनेशन इज डिविजिबल बाय 10। डिविजिबल बाय 10 के अब जब आप देखेंगे कि हमारे पास वो कौन से नंबर हैं जो 10 पर डिविजिबल हैं, तो उसके लिए आप देख लें द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज जीरो। जैसा कि आप डेफिनेशन को देख रहे हैं कि आपने ऐसी ही डेफिनेशन जो है डिविजिबल बाय 5 के लिए भी पढ़ी थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा कह लें बल्कि माइनर सा डिफरेंस है कि वहाँ पे 0 और 5, या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा ये था, लेकिन यहाँ पे जब आप 10 से करेंगे तो आपके पास ओनली 0 है कि आपका यूनिट प्लेस सिर्फ 0 हो। एग्जांपल देखें, जैसे कि आपका यूनिट प्लेस में 0 है, चाहे नंबर 2 डिजिट्स वाली हो, चाहे 3 डिजिट्स वाली हो, चाहे 4 डिजिट्स वाली हो,
जो कोई भी डिजिट पेयर हो आपके पास यूनिट प्लेस में क्या आएगा, जीरो। अगर आपके पास यूनिट प्लेस में जीरो है तो विच मीन ये 10 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ 10 से होगा, ये 5 से भी हो सकता है, ठीक है, और ये 10 से भी डिविजिबल है। लेकिन अगर एंड में लेट्स सपोज आपके पास एंड में 5 होता, देन ये आपके पास डिविजिबल बाय 5 होता, ठीक है। अगर तो जीरो और आपके पास जीरो आ रहे हैं तो ये 5 और 10 दोनों से डिविजिबल हैं, ठीक है। आप डिविजिबल बाय 13 देखें, डेफिनेशन देखें, डिफरेंस बिटवीन द नंबर फॉर्मड बाय लास्ट 3 डिजिट्स। आपके पास जो भी नंबर्स हैं उनके लास्ट 3 डिजिट्स एंड द नंबर फॉर्मड बाय रेस्ट ऑफ द डिजिट, लास्ट 3 डिजिट्स और उससे पहले जितने भी डिजिट्स आपके पास बच गए हैं शुड बी, आपने उनका क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन। आपके सामने सबसे पहले आपके पास आएगा डिफरेंस बिटवीन का मतलब ये होता है कि आपने उन्हें क्या करना है, माइनस करना है। अब एक बार डेफिनेशन देखें, डिफरेंस बिटवीन यानी कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है द नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट, यानी कि जो भी आपके पास नंबर है उनके लास्ट 3 डिजिट्स को जो है आपने रेस्ट ऑफ द डिजिट्स में से माइनस कर देना है। अब इसी एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 62257 की आपके पास नंबर है। पहला स्टेप क्या था, लास्ट 3 डिजिट्स कितने थे, लास्ट आपने जो है वो लास्ट 3 डिजिट्स लिए। फिर आपके पास क्या जाता है, रेस्ट ऑफ द डिजिट। अब रेस्ट क्या हो गया, 6 और 2 आपके पास 6 बनता है। 3 डिजिट्स आपने सबसे पहले लिखा 257, ठीक है, मैंने 257 लिख दिया। उसके बाद रेस्ट डिजिट्स क्या थे आपके पास, 6 और 2, मैंने एंड से स्टार्ट किया 7 के नीचे 2 और 5 के नीचे 6, अब मैंने इन्हें माइनस किया, 7 में से 2 माइनस किया आपके पास क्या आ गया, 5। अब 5 यहाँ पे स्मॉल था, मैंने यहाँ से कैरी लिया ये 2 से 1 और यहाँ पे रिप्लेस हो गया 15। 15 में से 6 माइनस किए 9, अब ये 1 था, नीचे कोई नंबर नहीं था, एज इट इज नीचे उतर गया। अब ये आपके पास 195 आ गया। पहला स्टेप आपके पास कंप्लीट हो गया कि लास्ट 3 डिजिट में से आपने रेस्ट डिजिट्स को माइनस किया, इनका डिफरेंस ले लिया। जब आपके पास डिफरेंस आ जाएगा देन आपने देखना है कि जो आपके पास आंसर आया है क्या वो 13 का डिविजिबल है। देन मैंने इसे 13 से डिवाइड किया, 19 था तो 31 जा 30, 9 में से 3 माइनस किए 6, 101 किया 0, ठीक है। अब ये बेटा ये 5 नीचे उतर गया, अब आपके पास नंबर क्या बन गया, 65। 13 के टेबल में देखना 65 कहाँ आता है, आपने देखा 13 5 जा 65, आपने देखा 13 पे पूरा डिवाइड हो गया, आपका आंसर है 15, विच मीन दैट कि आपके पास ये नंबर जो है वो क्या हो गया, डिविजिबल बाय 13। याद रखने की बात है 13 में कि लास्ट 3 डिजिट में से रेस्ट डिजिट, जितने भी रेस्ट डिजिट्स हैं आपने उन्हें माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसे आपने 13 पे डिवाइड करना है। अगर वो आंसर 13 पे पूरा डिवाइड हो रहा है देन आपका जो टोटल नंबर है वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 13। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई हैं, आपने ये अच्छी तरह जो है रिवाइज करना है, देन हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।